रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जबलपुर के पनागर क्षेत्र के बालाजी सिटी के पास से युवक का अपहरण कर बदमाशों ने 40 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद लोकेशन के आधार पर जबलपुर पुलिस रीवा पहुंची और पूरा घटनाक्रम मनगवां पुलिस को बताया। इस दौरान मनगवां पुलिस को इनपुट मिलते ही उन्होंने घेराबंदी कर दी और अपहरणकर्ताओं को पकड़कर पीड़ित युवक को भी मुक्त करा लिया। साथ ही आरोपियों को 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया भी, जिसके बाद पुलिस के साहसिक कार्य की प्रशंसा की जा रही है। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी को पूछताछ के लिए जबलपुर पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि मुख्य आरोपी सुलभ सिंह पुराना बदमाश है, जिसके विरुद्ध मनकवा थाने में अपराध पंजीबद्ध हैं। राहुल राज चौहान जो पनागर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको अपहरण करके एक जगह पर सुनसान जगह पर रखा गया था। हमने जो है लोकेट करके और उनको चारों तरफ से घेराबंदी की और जो राहुल राज चौहान है उनको सुरक्षित जो है उनके चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान जो है इनके कब्जे से क्या बरामद किए? इनके कब्जे से हमको एक को कार मिला है और मारपीट के लिए जो है बेसबॉल के डंडे वगैरह और चीज़ें मिली हैं। इसमें जो है अपराध जैसे ही पुलिस ने उनके ऊपर घेराबंदी करने की कोशिश की तो अपहरणकर्ता जो है भागने की भी कोशिश किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को बड़ी बखूबी तरीके से पुलिस ने अंजाम दिया। अधिक जानकारी के साथ प्रद्युमन जुड़ गए हैं सहयोगी। प्रद्युमन, जिस तरह से अपहरण हुआ, क्या कुछ फिरौती मांगी गई थी, कैसे पुलिस ने इससे पूरे गैंग को ट्रैक किया और उसके बाद इन्हें धर दबोचा और जो व्यक्ति किडनैप किया हुआ था उसे भी छुड़ा लिया गया? बिल्कुल दीपक, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रीवा पुलिस एक अच्छा कार्य की, जिसकी रीवा जिले में पूरे प्रशंसा की जा रही है। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई थी। यह पूरा मामला जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में हुई थी, जो कि एक युवक को रीवा निवासी यहाँ मनगवां थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि पेशे से बदमाश भी थे। उनको वहां से 40 किडनैप करके और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिस पर जबलपुर की पूरी टीम एकत्र आपस में उच्च अधिकारियों से बात करके फिर रीवा पुलिस कप्तान से संपर्क करके और लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसमें पूरा लोकेशन मनगवां थाना अंतर्गत बताया गया। वहां से जबलपुर से पुलिस आई, फिर मनगवां थाने में थाना प्रभारी से बात करके लोकेशन टेस्ट करके और इसके बाद जहां आरोपियों के द्वारा किडनैपिंगकर्ताओं के द्वारा जिस व्यक्ति को किडनैप किया गया था, उस व्यक्ति तक सिर्फ लोकेशन के आधार पर वहां पहुंचकर और जो व्यक्ति जिसको किडनैप किया गया था उसको सुरक्षित निकाला गया और तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया गया हूं। ठीक है, ये जो अपहरणकर्ता हैं, क्या वो किसी रूप से भी इस व्यक्ति को जानते थे जिसे किडनैप किया गया है? कोई पुरानी रंजिश या रैकी की थी इन्होंने? कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था? बिल्कुल दीपक, यहाँ पे बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं से जान, हालांकि ये अभी तक तो खुलासा नहीं हो पाया है कि रैकिंग की जा रही थी, कैसे इनको जानकारी मिली इतनी भारी रात लेकर के उनकी डिमांड की जाएगी, इसको इसके घर के परिजन वो रात हमें दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब तक जानकारी निकल करके आई है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ही पहचान थी कि कहीं ना कहीं से कोई रैकिंग की गई है जिस पर ये किडनैपिंग की गई और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। दीपक, पूरा मामला अभी इतनी दूर तक सामने आया है और आगे की पूछताछ की जा रही है, जैसे कुछ और तथ्य अथवा और कुछ बात ऐसी निकल करके आती है तो वो बताया जाएगा। बिल्कुल प्रद्युमन, यहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली जिस तरह से देखी जाए वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या लोग पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वो किडनैप हुए व्यक्ति के परिवार वाले हों या खुद किडनैप हुआ व्यक्ति हो या और लोग हों? बिल्कुल दीपक, यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कोई अगर एक थाना प्रभारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देता है तो जिले
जिला की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। बिल्कुल। और कोई अगर एक थाना प्रभारी अच्छा कार्य कर दे तो पूरे जिला पूरे जिले जिले की पुलिस पर एक वाहवाही लोग देने लगते हैं, जिस तरह से दौड़ लगाकर पकड़ना और फिर सुरक्षित व्यक्ति को जिसको जिसका किडनैप हुआ था उसको सुरक्षित उसके मम्मी पापा के पास छोड़ना, ये इस कार्य की घर में उसके बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी प्रशंसा की जा रही, पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है कि मनगवां थाना प्रभारी के द्वारा जिस तरह से ये कार्य किया गया, अगर ऐसा ही कार्य पूरे ईमानदारी से किया जाए तो सवाल पुलिस पर जिसको बोलते हैं कि देश की रक्षा करती है और अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल जी दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमन। तो हमारे सहयोगी थी प्रतिमा जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि कैसे पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और जो किडनैपर्स थे उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस व्यक्ति को जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इससे बचा लिया गया है और जो दो अपहरण करता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी है कि कैसे इन्हें इस व्यक्ति के बारे में पता चला और कैसे इन लोगों को ये पता था कि इतनी रकम दे सकता है या सामर्थ्य है, कहीं ना कहीं कोई घर का व्यक्ति या कहीं बाहर का व्यक्ति कहीं शामिल तो नहीं था, हालांकि जांच का विषय है।